हेलो दोस्तों, तो आज हम समझेंगे कार्बोरेटर के बारे में, इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में हम समझेंगे। देखो कार्बोरेटर का काम क्या है। कार्बोरेटर का काम है एयर और फ्यूल मतलब पेट्रोल, इसका मिक्सचर बनाना, इसको मिक्स करके आगे देना किसको, इंजन को। अभी हमारा देखिए इंजन में हमें एयर और पेट्रोल का मिक्सचर चाहिए और वो जो चाहिए वो करके कौन देगा ये सारा काम, कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर किस तरह से ये काम करता है, उसे एयर कहां से मिलेगी, पेट्रोल कैसे मिलेगा, उसके बारे में हम समझेंगे। देखो मेरे पास यहां पे एक कार्बोरेटर का डिजाइन है और ये मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये यहां से कुछ इस तरह से होता है, एक्चुअली ये सर्कुलर है लेकिन हम इसका कट सेक्शन देखें या सामने से देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये क्या है कि यहां से ऊपर से, यहां से ये बीच में कहीं एरिया जो होता है वो होता है ज्यादा और यहां से बीच में कहीं पे ये एरिया कम हो जाता है, तो सेंटर में ये एरिया कम हो जाता है। तो काफी ही देखिए कार्बोरेटर, वैसे तो आपको ये बताऊं सच में तो ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं कार्बोरेटर, आगे जो है वो इंजेक्शन सिस्टम फ्यूल इंजेक्टर यूज हो रहे हैं। तो उसपे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आपने देखनी है तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का डिजाइन होता है, ठीक है, आपको इसकी वर्किंग आसान लगेगी। तो ये देखना, ये जो एरिया बीच में है वो कम है और यहां पे और यहां पे एरिया ज्यादा है। तो इसके ऊपर क्या करते हैं हम, एयर फिल्टर लगा लेते हैं। यहां पे हम एयर फिल्टर लगा देते हैं, ये देखो इसके ऊपर एयर फिल्टर लगा होता है एक, और ये जो एयर फिल्टर है ये फिल्टर करेगा ऊपर से आने वाली एटमोस्फेरिक एयर को, बाहर से इसने हवा लेनी है। तो ये जो एयर आ रही है यहां से फिल्टर होके आनी चाहिए, तो यहां से हमने एयर फिल्टर लगा दिया, इसलिए हम एयर फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। और ये एयर फिल्टर देखिए जब भी आप सर्विस कराएं, तो अगर वो नहीं करके दे रहे हैं तो हमारे पास जरूरी है इसको एयर फिल्टर साफ करवाना। आप बाइक की सर्विस करवाएं तो एयर फिल्टर साफ करवाएं, अगर आपको लगता है कि कट फट गया है या खराब हो रहा है तो उसे चेंज करवा लें, ठीक है। तो ये एयर फिल्टर यहां पर लगा होता है। इसके बाद यहां पर एक लगा होता है चोक, देखो हम देखो ये चीज है, इसको बताता हूं किस तरह से वर्क करता है चोक। देखिए चोक एग्जैक्टली वर्ड क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि चोक कर गया वो चीज, चोक होना एक्चुअली क्या होता है कि ये वर्ड आपको समझ आएगा। जैसे ना मान लो किसी के खाना खा रहा है और उसके गले में यहां पे फंस गया खाना, अगर खाना फंस गया तो हम क्या कहते हैं, वो चोक कर गया। और उसके कारण क्या होता है कि यहां से एयर भी जानी है, एयर का मतलब ऑक्सीजन, आप सांस ले रहे हैं तो सांस नहीं जाएगी अगर अंदर तो यहां से चोक हो जाएगा, अगर चोकिंग होगी तो भाई डेथ भी हो सकती है। तो वही वर्ड जो है वो चोक यहां पे यूज किया। अब चोक क्या है कि आप देखो जैसे कि सर्दियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में बाइक जब आप स्टार्ट करते हो तो अगर नहीं स्टार्ट हो रही, कार्बोरेटर वाली बाइक की बात कर रहा हूं, तो अगर नहीं स्टार्ट हो रही तो हम क्या करते हैं, चोक लगा देते हैं। चोक है क्या एक्चुअली, ये एयर को कम अंदर रहने देता है। चोक हम सोचते हैं ये कुछ और फंक्शन है इसका, या पेट्रोल ज्यादा जा रहा है, तो एक्चुअली में पेट्रोल से नहीं कनेक्शन, इसका कनेक्शन जो है वो एयर से है, एयर को बंद कर देगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं इसके बारे में किस तरह से है कि मान लो पहले से एयर जो आ रही थी वो मान लेते हैं 3:1 में आ रही थी, मैं ऐसी बोल रहा हूं इसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं एक आपको समझाने के लिए 3:1 की रेशो आ रही थी, 3 हिस्सा एयर और 1 हिस्सा पेट्रोल का आ रहा था मान लो ऐसे, और जब हमने बंद कर दिया तो इसकी जो मात्रा रहेगी एयर की वो मान लो 0.5 रहेगी और 1 एयर जो पेट्रोल आने लग गया, तो इसके कारण क्या है, मतलब पेट्रोल ज्यादा आ रहा है एयर कम आ रहा है, तो रिच मिक्सचर आने लग जाता है, रिच मिक्सचर आने लग जाता है, तो मिक्स जो कर रहा है वो रिच आ रहा है, तो पेट्रोल ज्यादा और एयर कम, इसीलिए वो बाइक जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो यहां से ये चोक इस तरह से इस्तेमाल होता है, तो आपने ये देखा भी होगा, तो ये कनेक्शन होता है। मुझे भी ये लगता था जब तक हमने ये नहीं पढ़ा था, तो मुझे लगता था कि हमने चौक खींची तो मतलब पेट्रोल, अब मैंने पेट्रोल को कनेक्शन दिया है ना, होता तो ऐसा ही है लेकिन पेट्रोल बढ़ता है, लेकिन तरीका क्या कि एयर को कम करते हैं, ठीक है, तो रिच मिक्सचर हमारे पास आता है। और इसके बाद नीचे एक लगा होता है यहां पर, देखना यहां पर लगा होता है ये वॉल्व जो है, इसको कहते हैं हम थ्रोटल वॉल्व, थ्रोटल वॉल्व। ये क्या है, ये है हमारे पास जो आप रेस लगाते हो ना, ठीक है, रेस करते हो बाइक की,
तो वो जो रेस घुमाते हो ठीक है पकड़ के, वो एक्चुअली क्या है उसके अंदर कनेक्शन जो है तार का वो सीधा इसके साथ जुड़ा होता है थ्रोटल वॉल के साथ, ये घूमना है। इसने पोजीशन ने बताना है कि एयर और पेट्रोल आगे कितना जाएगा, आगे ज्यादा जाएगा या कम। हम अगर कम कर देते हैं तो ये घूम के बंद हो जाता है और एयर और पेट्रोल कम जाता है आगे। अगर हम पूरा घुमा देते हैं इसको ज्यादा तो ये पूरा खुल जाएगा, कुछ इस तरह से पोजीशन हो जाएगी इसकी और ये इस तरह से हो जाएगा। हम फुल थ्रोटल दे देते हैं कि फुल थ्रोटल, तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम इस टैप को जो हमने लगाई है यहां पे उसको खोल रहे हैं। खोल दिया तो ज्यादा एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जाने लग जाएगा, तो ये जो थ्रोटल वॉल्व है वो आइडली यहां पे होता है, ऐसा होता है। अब इसके बाद का, इसके बाद यहां से आना है हमें पेट्रोल। पेट्रोल का कनेक्शन देने के लिए हमने क्या किया कि यहां पे एक कनेक्शन देने के लिए पाइप बना दी, यहां पे पाइप लगा दी और ये पाइप का कनेक्शन दे दिया हमारे पास फ्लोटिंग चैम्बर के साथ। फ्लोटिंग चैम्बर क्या है? फ्लोट चैम्बर वो है कि जिसमें पेट्रोल आएगा और ये आएगा फ्यूल टैंक से, फ्यूल टैंक से आएगा और ये इसका कनेक्शन सीधा कहां से है? फ्यूल टैंक के साथ है, यहां से फ्यूल टैंक है ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे पास फ्यूल टैंक यहां पे है, तो यहां पे फुल पेट्रोल मान लो आपने भरा है तो ये टैंक में पेट्रोल है यहां पे, तो ये पेट्रोल जो है वो आगे आएगा और यहां पे फिल होगा। और फ्लोटिंग चैम्बर का मतलब यहां पे एक फ्लोट लगा है जो कि अगर यहां से फिल हो जाता है पूरा का पूरा तो ये फ्लोट चैम्बर इसको बंद कर देगा यहां से ठीक है, तो इसको बंद कर देगा, ये यहां से रास्ता जो आ रहा है इसको बंद कर देगा और ये फ्लोट चैम्बर कुछ इस तरह से मूव करके ये रास्ता बंद हो जाएगा और पेट्रोल आगे आना बंद हो जाएगा। अब बात आती मेरे भाई यहां पे मेन, अब बात आती, क्या बात आती है? देखो ये एक जगह ऊंचाई पे है, ये नीचे है, इसका कारण क्या है? अगर हम इसको ऊपर बना देंगे, यहां पे बना दिया तो ये तो पेट्रोल अपने आप नीचे गिरता रहेगा, वो हम चाहते नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से बनाया गया है और कि हमें यहां से एक सक्शन वाला प्रोसेस मिले। देखिए सक्शन वाला प्रोसेस क्या होता है कि मान लो कि यहां से एयर आ रही थी, एयर आई और एयर जब यहां से निकल रही थी तो पहले था इसके पास एरिया ज्यादा, जब यहां पे पहुंचे तो एरिया कम हो गया। देखो एरिया कम हो गया यहां पे आके, जब एरिया कम हुआ तो यहां पे एक सक्शन हुई। सक्शन कैसे हुई? इसके लिए मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा बर्नौलीज थ्योरम। अगर तो आपने बर्नौलीज थ्योरम समझा हुआ है तो ये एग्जैक्टली आपको समझ आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बर्नौलीज थ्योरम। और मैंने इस पे ना वीडियो बनाई हुई है पूरी डिटेल में, अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक दे रहा हूं, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, यहां पे प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी ठीक है। मैं आपको फिर से समझा दूं, यहां पे प्रेशर नहीं, प्रेशर एनर्जी कम होगी ठीक है। अगर इसमें आपको डाउट है कि ये बड़ा डाउट होता है कि एरिया कम होगा तो प्रेशर कैसे, हमें तो ये समझाएगा ना कि एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, तो लेकिन ये प्रेशर एनर्जी की बात कर रहा हूं यहां पे, तो उसके क्लैरिटी के लिए आपको ये देखना पड़ेगा ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे सक्शन होगा पेट्रोल का। देखिए आप जैसे सिंपल से बताऊं, आप मान लो कोक पी रहे हैं, आपने क्या किया पाइप लगाई और उसके बाद यहां पे मुंह में पाइप रखी। अब पाइप अगर आपका मुंह ठीक है, आपने पीना है पाइप को, अगर सीधा ऐसे रख लूं ठीक है और मुंह को छोटा ना बनाऊं, ऐसे सीधा रख लिया, आप कोक पी रहे हैं, कोक ऊपर आएगा नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मुंह छोटा बनाना पड़ेगा। मुंह छोटा बना के आप ऐसे सक करोगे, एयर जब खींचोगे ऊपर की ओर, सक्शन प्रोसेस करोगे तो ये ऊपर क्यों आ जाता है, तो वो कोक ऊपर आ जाता है ठीक है। उसी तरह ये है ठीक है, ये काम ना हम जैसे बाइक में से तेल भी निकालते हैं ना तब भी ये काम करते हैं। तो बाइक में से हमें तेल निकालना होता है तो हम ऊपर पाइप डाल के खींच लेते हैं और वो पेट्रोल ऊपर आ जाता है, हम पेट्रोल निकाल लेते हैं। ये आपने कभी ना कभी लाइफ में किया होगा। तो ये मुंह जो आप बना रहे हो ना, उसकी बजाय यहां हमने मुंह बना दिया, ये नकली मुंह बना दिया और ये सक कर लेगा और पेट्रोल को सक करने के बाद, और यहां से अब पेट्रोल भी आ गया, देखो पेट्रोल आ गया यहां से और ये पेट्रोल और एयर का मिक्सचर दोनों चीजें आगे जाएंगी। अब ये एयर भी और ये पेट्रोल भी दोनों आगे जाएंगे और एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आगे निकल जाएगा।
अब ये डिपेंड करेगा एयर और पेट्रोल का मिक्सचर इस पे, अब थ्रोटल वॉल पे डिपेंड करेगा, वो आपके हाथ में दे दी कि मेरे भाई ये लो। ठीक है, जैसे हमने बाइक में कहा कि हम रेस को घुमाते हैं, वैसे हमारे पास कार में भी, कार में भी जब हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तो उस पैडल को दबाने से ये खुल जाता है, तो खुलेगा तो यहां से एयर और पेट्रोल का मिक्सचर दोनों का अंदर आएगा और इस तरह से ये कार्बोरेटर की वर्किंग होती है। ठीक है, मैं बार बार एक ही बात कहूंगा आपसे, अगर आप समझना चाहते हैं इसको अच्छी तरीके से तो आपको बर्नौलीज थ्योरम समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी मेरे भाई कार्बोरेटर की वर्किंग और इसकी कंस्ट्रक्शन। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको और ज्यादा मेरी बनाई वीडियोस देखनी है तो आप YouTube के सर्च बॉक्स में लिखिए टॉपिक का नाम और साथ में लिखिए गियर इंस्टीट्यूट, अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।